चाय की चुस्की और खूंखार जानवर की आहट मौके पर देखा तो उड़े वन कर्मियों के भी होश। पैंथर की जोरदार दहाड़ और नीमच से उज्जैन तक मची खलबली, फिर रेस्क्यू टीम की कड़ी मशक्कत। मामला ग्राम बसेड़ी भाटी क्षेत्र का। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए नीमच जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में बीते दिनों पैंथर की दहशत दिखाई दी। खुलेआम घूमता पैंथर खेत की फेंसिंग में फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों की जानकारी पर पहले जिला वन विभाग और फिर उज्जैन से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को बेहोश कर उसे बरामद किया गया। यह वाकया नीमच जिले के ग्राम बसेड़ी भाटी क्षेत्र का बीते करीब 4 दिनों पहले का बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों वन विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी रतनगढ़ जा रहे थे। बीच रास्ते में अधिकारी मोरवन डैम के समीप मौजूद एक दुकान पर चाय पीने रुके। उसी दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि खेत की तार फेंसिंग में कोई जानवर फंस गया है। इस पर वन विभाग की टीम के सदस्यों ने गंभीरता दिखाई और तुरंत मौके पर पहुंचे। टीम के सदस्य जैसे ही फेंसिंग के समीप जाने लगे तो उन्हें अचानक से जानवर की दहाड़ सुनाई दी। इसी से टीम को पता चल गया कि वह दहाड़ किसी और जानवर की नहीं बल्कि पैंथर की है, जिसके बाद विभागीय टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना वन विभाग के आला अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही उज्जैन से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान पहले तारों में फंसे पैंथर को बेहोश किया गया और फिर उसे बाहर निकाला गया। कुकड़ेश्वर, रामपुरा, मनासा, नीमच, जीरण, जावद, रतलाम क्षेत्र की खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।